वेलकम टू गोल्डीज किचन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को क्लिक करके आप मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं नींबू मसाला सोडा। उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है, यहाँ पे मैंने सोडा लिया है, 4 चम्मच नींबू का रस लिया है हमने, यहाँ पे हमने ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर लिया है, यह हमें 1/4 चम्मच चाहिए, चाट मसाला लिया है 1/4 चम्मच, यहाँ पे हमने शुगर सिरप लिया है। अगर आपके पास शुगर सिरप नहीं है तो आप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 6 चम्मच चीनी के अंदर 6 चम्मच पानी डालकर इसे गर्म कर लीजिए। और यहाँ पे हमने लिया है आइस क्यूब्स। तो चलिए हम बना लेते हैं नींबू मसाला सोडा। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास लिया है। अब इसमें हम शुगर सिरप डालेंगे, 2 चम्मच शुगर सिरप डालना है हमें। जिन्हें डाइजेशन प्रॉब्लम है उनके लिए ये रामबाण इलाज है, आप इसे खाना खाने के बाद इसे पी लीजिए, आपका खाना एकदम अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। ध्यान से डालना है हमें। अब इसमें हम आइस क्यूब्स डाल देंगे, 5 से 6 आइस क्यूब्स डालना है हमें, दोनों ग्लास में डाल देंगे। अब हम इसमें ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये हमें 1/4 चम्मच से कम चाहिए। अब इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे 1/4 चम्मच। अब इसमें हम नींबू का रस डालेंगे 2-2 चम्मच, हमें 1 ग्लास में 2 चम्मच डालना है। और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे तब तक मिलाएंगे जब तक हमारा शुगर सिरप मेल्ट नहीं हो जाता, अच्छे से घुल नहीं जाता है। सेम प्रोसेस हमें दूसरी ग्लास के साथ भी करना है। शुगर सिरप मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए अब इसमें हम सोडा डाल देंगे। सोडे की बोतल को हम खोल लेते हैं। अब इसमें हम सोडा डाल देंगे। यहाँ पर हमने ठंडा सोडा का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी शुगर सिरप है वो और अच्छे से घुल जाए। सेम प्रोसेस हमें दूसरे ग्लास के साथ अपनाना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा नींबू मसाला सोडा। आप इस नींबू मसाला सोडा को इस गर्मियों में इंजॉय करिए और फ्रेंड्स इसी तरह देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। मैं जल्द मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ।